बहराइच के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने कहा कि श्वेत मियां राजकता व गुंडागर्दी फैलाने वाले लोगों की अब खैर नहीं होगी। पुलिस अधीक्षक के आदेश व निर्देशों का पालन करते हुए प्रयागपुर के तेज तर्रार थाना अध्यक्ष कमल शंकर चतुर्वेदी ने ग्राम पंचायत लालपुर में बंजर की भूमि पर गांव के ही कुलदीप पुत्र रामचरण बाबू, पुत्र रामचरण चंदन उर्फ मकसूदन, पुत्र रामचरण ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान राजत राम ने समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर की थी, जिस पर राजस्व की टीम पुलिस फोर्स के साथ बंजर की भूमि की पैमाइश करने गई थी, जिस पर विपक्षी ने जमीन पर अपना कब्जा होने का दावा कर रही थी। राजस्व कर्मियों ने भूमि की पैमाइश शुरू की और मौका पाते ही विपक्षी ने ग्राम प्रधान राजत राम पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे राजत राम वहीं गिर पड़े और हमलावरों को मौके पर पुलिस फोर्स ने पकड़ लिया और बड़ी घटना होने से बचा लिया। ग्राम प्रधान राजत राम की तहरीर पर प्रयागपुर थाना अध्यक्ष ने कई गंभीर धाराओं में त्वरित कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों को न्यायालय बहराइच भेज दिया है। प्रयागपुर में एक गाँव है पंडित पूर्वा लालपुर, जहाँ पर सरकारी जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा कब्जा किया गया था। पूर्व में भी नायब तहसीलदार के द्वारा जा करके उसको खाली करने के लिए बताया गया था। आज पुनः नायब तहसीलदार की टीम और पुलिस की टीम मौके पर गई थी उसको खाली कराने के लिए, जहां पर प्रतिपक्षी के द्वारा पेड़ लगा दिया गया था, उसके पीछे उसका पट्टा था और ये जमीन जो सरकारी थी रोड के साइड में थी, इसको कब्जा करना चाहता था। उसने हमलावर होकर के दूसरी पार्टी पे हमला किया था। मौके से उसको दोनों को पकड़ा गया है, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और केस विधि कार्रवाई की जा रही है।